नमस्कार दोस्तों। तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी कक्षा 8वीं की विज्ञान के बारे में। एनसीईआरटी की कक्षा 8वीं की साइंस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो इसमें अभी तक हम लोग 13 चैप्टर आपके खत्म कर चुके हैं। ये आपका है 14वां चैप्टर। इसमें बात करेंगे विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव के बारे में। ठीक है, एक बात हमेशा याद रखिए कि अगर आप अपने से भी इस इन बुकों को अच्छे से पढ़ते हैं तो सब कुछ समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें ऐसा कोई भी मुझे शब्द नहीं मिला अभी तक कि जिसे समझाने की जरूरत पड़ी हो। एक अगर एक जैसे आप मान लीजिए बल की परिभाषा देने के लिए पूरी कहानी का रूप दे दिया गया है, ध्वनि को समझाने के लिए, फिर चाहे आपका घर्षण हो, घर्षण को समझाने के लिए पूरी कहानी दी गई है। तो अगर पूरी कहानी पढ़ोगे लास्ट तक उसी परिभाषा में बदल देगा, तो आपको बस धैर्य के साथ पढ़ना है और लास्ट में जो भी निष्कर्ष होता है वो पता चल जाता है। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग। आपके अभिभावकों ने संभवतः आपको यह चेतावनी दे दी होगी कि गीले हाथों से किसी भी विद्युत संदेश को न छुएं, परंतु क्या आप जानते हैं कि गीले हाथों से किसी विद्युत संदेश को छूना क्यों खतरनाक है? हम पहले ही सीख चुके हैं कि जो पदार्थ अपने से होकर विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं वे विद्युत के सुचालक अच्छे चालक होते हैं। इसके विपरीत जो पदार्थ अपने से होकर विद्युत धारा को आसानी से प्रवाहित नहीं होने देते हैं वे विद्युत के हीन चालक होते हैं। कक्षा 6वीं में यह जांच करने के लिए कि कौन कोई पदार्थ अपने से विद्युत धारा को प्रभावित होने देता है या नहीं, हमने एक संपरिचित टेस्टर बनाया था। क्या आपको याद है कि इसे सुनिश्चित करने में संपरिचित टेस्टर ने हमारी किस प्रकार सहायता की थी? हमने देखा था कि धातुएं जैसे तांबा एल्यूमिनियम विद्युत का चालन करते हैं, जबकि कुछ पदार्थ जैसे रबड़ हो गया ये विद्युत को अपने में से नहीं जाने देते। देखिए ये टेस्टर बनाया था। प्लास्टिक लकड़ी विद्युत का चालन नहीं करते हैं, तथापि अभी तक हमने अपने टेस्टर से केवल उन पदार्थों की जांच की थी जो ठोस पदार्थ में थे। लेकिन द्रवों के प्रकरण में क्या होता है? क्या द्रव भी विद्युत का चालन करते हैं? आइए ज्ञात करते हैं। क्या द्रव विद्युत चालन करते हैं? यह जांच करने के लिए कि द्रव अपने से होकर विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं या नहीं, हम उसी संपरिचित का प्रयोग कर सकते हैं। तथापि हम सेल के स्थान पर बैटरी का प्रयोग करते हैं। संपरिचित का उपयोग करने से पहले हम यह भी परीक्षण करेंगे कि वह कार्य कर रहा है या नहीं। क्रियाकलाप 14.1, ये जो भी क्रियाकलाप होंगे इन्हें आपको पढ़ना है और निकल जाना है, ये प्रयोगशाला करते नहीं बैठ जाना है। समझ में आया? जिनके लिए बुक्स कक्षा 8वीं की बच्चों के लिए बनाई गई वो करेंगे, ठीक है? तुम्हें केवल अच्छे से पढ़ना है और समझ कर निकल जाना है। संपरिचित के सिरों को क्षण भरे भर के लिए एक दूसरे से स्पर्श कीजिए कराइए। ऐसा करते ही संपरिचित का परिपथ पूरा हो जाता है और बल्ब आपका जलने लगता है। तथापि यदि बल्ब दीप्त नहीं होता यानी कि नहीं जलता है तो इसका अर्थ है कि संपरिचित कार्य नहीं कर रहा है। क्या आप इसके संभावित कारण बता सकते हैं? क्या यह संभव है कि तारों के संयोजन शिथिल हों या फिर बल्ब फ्यूज हो गया अथवा आपकी सेल बेकार हो गया? जांच कीजिए कि सभी संयोजन कसे हुए हैं या नहीं। यदि संयोजन पहले से ही कसे हुए हैं तो बल्ब को बदल दीजिए। अब फिर जांच कीजिए कि टेस्टर कार्य कर रहा है या नहीं। यदि यह अभी कार्य नहीं कर रहा है तो सेलों को बदल दीजिए। इस प्रकार जब संपरिचित भलीभांति कार्य करने लगे तो इसका उपयोग विभिन्न द्रवों के परीक्षण के लिए कर सकते हैं। अपने संपरिचित यानी कि टेस्टर की जांच करते समय इसके तारों के स्वतंत्र सिरों को केवल कुछ छड़ों से अधिक स्पर्श न करें, अन्यथा बैटरी के सेल अत्यंत शीघ्रता से समाप्त हो जाते हैं। आपने देखा होगा जब धन प्लस ऋण
दोनों बैटरी के आप लोग तारों को एक साथ जोड़ते हैं तो बैटरी खराब हो जाती है। बात करते हैं क्रियाकलाप 14.2। बेकार फेंकी गई बोतलों के प्लास्टिक या रबड़ के कुछ ढक्कन एकत्रित करके उन्हें साफ करिए। एक ढक्कन में चाय के चम्मच के बराबर नींबू का रस या सिरका उड़ेगी। अपने टेस्टर को इस ढक्कन के समीप लाकर उसके सिरों को नींबू के रस या सिरके में डुबोइए। ध्यान रखिए कि दोनों सिरे परस्पर 1 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर ना हो, लेकिन इसी के साथ वे एक दूसरे को स्पर्श भी ना करें। क्या टेस्टर का बल्ब दीप्त होता है? क्या नींबू का रस या सिरका विद्युत का चालन करता है? नींबू के रस या सिरके को आप सुचालक या हिमचालक में किस प्रकार किस वर्ग में रखेंगे? जब सब टेस्टर के दोनों सिरों के बीच का द्रव अपने से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देता है तो टेस्टर का परिपथ पूरा हो जाता है। परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तथा बल्ब दीप्त हो जाता है, यानी कि जल जाता है। जब कोई द्रव विद्युत धारा को अपने से प्रवाहित होने नहीं देता है तो समपरिचित यानी कि टेस्टर परिपथ पूरा नहीं होने होता तथा बल्ब दीप्त नहीं होता। कुछ स्थितियों में द्रव के चालक होने पर भी संभव हो सकता है कि बल्ब ना जले। ऐसा क्रियाकलाप 14.2 में भी हो सकता है। इसका क्या कारण है? क्या आपको याद है कि बल्ब से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर वह दीप्त यानी कि जलता है? क्यों जलता है? विद्युत धारा के उसमें प्रभाव के कारण बल्ब का तंतु उच्च ताप तक गर्म होकर दीप्त यानी कि जलने लगता है। तथापि यदि परिपथ में विद्युत धारा दुर्बल है तो तंतु पर्याप्त गर्म ना होने पानी के कारण दीप्त नहीं हो पाता। अब आप यह जानना चाहते हैं कि किसी परिपथ में विद्युत धारा दुर्बल कब होती है। यदि कोई परिपथ कोई पदार्थ विद्युत का चालन कर सकता है तो परंतु यह संभव है कि वह धातु की भांति आसानी से विद्युत का चालन ना कर पाता, जिसके कारण टेस्टर का परिपथ तो पूरा हो जाता है लेकिन फिर भी इसमें प्रवाहित विद्युत धारा बल्ब को दीप्त करने के लिए दुर्बल हो सकती है। क्या हम कोई ऐसा अन्य संप्रेषित बना सकते हैं जो दुर्बल धारा को भी संसूचित कर सके? एक अन्य टेस्टर बनाने के लिए आप विद्युत धारा के किसी अन्य प्रभाव का उपयोग कर सकते हैं। क्या आपको याद है कि विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करती है? जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके पास रखी चुंबकीय सुई पर क्या प्रभाव पड़ता है? विद्युत धारा के बहुत दुर्बल होने पर भी चुंबकीय सुई में विक्षेप देखा जा सकता है। क्या हम विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग करके कोई टेस्टर बना सकते हैं? आइए क्रियाकलाप 14.3 द्वारा पता करते हैं। इसे देख लेते हैं। पहले आप चित्र 14.2 के संपरीक्षित में यानी कि टेस्टर में विद्युत बल्ब के स्थान पर एलईडी प्रकाश उत्सर्जक डायोड का उपयोग कर सकते हैं। एलईडी दुर्बल विद्युत धारा प्रभावित होने पर भी दीप्त होती है। एलईडी के साथ दो तार जुड़े होते हैं। इन तारों को लीड्स करते कहते हैं। क्या कहते हैं? लीड्स। एक तार दूसरे की अपेक्षा थोड़ा लंबा होता है। याद रखिए एलईडी को किसी परिपथ में जोड़ते समय इसके लंबे तार को सदैव बैटरी के धन टर्मिनल से जोड़ा जाता है, छोटे तार को बैटरी के ऋण टर्मिनल से जोड़ते हैं। देखिए यह आपकी एलईडी। अब बात करते हैं क्रियाकलाप 14.3 के बारे में। माचिस की खाली डिबिया से ट्रे निकालिए। ट्रे पर चित्र में दर्शाए अनुसार एक विद्युत तार के कुछ फेरे लपेटिए। ट्रे के भीतर एक छोटी चुंबकीय सुई रखिए। अब तार के स्वतंत्र सिरे को बैटरी के एक टर्मिनल से जोड़िए। तार के दूसरे सिरे को स्वतंत्र छोड़ दीजिए। तार का एक दूसरा टुकड़ा लेकर बैटरी के दूसरे टर्मिनल से जोड़िए। दोनों तारों के स्वतंत्र सिरों को क्षण मात्र के लिए एक दूसरे से स्पर्श कराइए। चुंबकीय सुई को तुरंत विच्छेद दिखाना चाहिए। आपका तार के दो स्वतंत्र सिरों वाला संपरिचित तैयार है। अब इस संपरिचित का उपयोग करके क्रियाकलाप 14.2 को दोहराएं। क्या टेस्टर के स्वतंत्र सिरों को नींबू के रस में डोबेती ही आपकी चुंबकीय सुई में विच्छेद दिखाई देता है?
टेस्टर के सिरों को नींबू के रस से बाहर निकालिए, उन्हें पानी में डुबोइए और पोंछ कर सुखाइए। इस क्रियाकलाप को अन्य द्रवों जैसे टोंटी का पानी, वनस्पति तेल, दूध, शहद आदि के साथ दोहरा सकते हैं। प्रत्येक द्रव का परीक्षण करने के पश्चात संपरीक्षित के सिरों को जल में धोकर तथा पोंछ कर सुखाना अवश्य याद रखिए। प्रत्येक स्थिति में देखिए कि चुंबकीय सुई बिच्छेद दर्शाती है अथवा नहीं। अपने प्रेक्षकों को सारणी 14.1 में अंकित कीजिए। नींबू का रस चुंबकीय सुई बिच्छेद दर्शाती है। हाँ, सुचालकहीन, अच्छा चालक। याद रखिए, आपसे जब विद्युत से कहीं आग लग जाती है तो उसे पानी से नहीं बुझाया जाता, पानी से बुझाने के लिए मना किया जाता है, क्योंकि विद्युत का उसमें चालक होता है और वो विद्युत आप तक भी पहुंच सकती है और आपको नुकसान पहुंचा सकती है। आगे बात करते हैं। कुछ द्रव विद्युत के सुचालक इतना कुछ हीन चालक। जब टेस्टर के स्वतंत्र सिरे पर एक दूसरे को नहीं छूते हैं, संभव है कि उनके बीच में वायु हो। पहेली को ज्ञात है कि वायु विद्युत की हीन चालक है, परंतु उसमें यह भी पढ़ा है कि तड़ित के समय वायु से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। वह जानना चाहती है क्या यह अवस्था वायु विद्युत की हीन चालक होती है। इसी से प्रेरित होकर बुजो भी यह भी जानना चाहता है कि क्या हीन चालकों की श्रेणी में रखे अन्य पदार्थ भी विशेष परिस्थितियों में अपने से विद्युत को प्रवाहित होने देते हैं। वास्तव में विशेष परिस्थितियों में अधिकांश पदार्थ विद्युत धारा का चालन कर सकते हैं। यही कारण है कि पदार्थों को चालकों तथा विद्युत रोधियों के रूप में वर्गीकृत करने की अपेक्षा अच्छे चालकों, सुचालकों तथा हीन चालकों के रूप में वर्गीकृत करने को अधिक मान्यता दी जाती है। हमने टोटी के पानी द्वारा विद्युत चालन का परीक्षण किया, आइए अब आसुत जल द्वारा विद्युत चालन का परीक्षण करते हैं। क्रियाकलाप 14.4। एक स्वच्छ तथा सूखे प्लास्टिक या फिर रबड़ की ढक्कन में लगभग 2 चाय के चम्मच के बराबर आसुत जल भरिए। आप आसुत जल को अपने विद्यालय की प्रयोगशाला से प्राप्त कर सकते हैं। आप किसी दवाई की दुकान या डॉक्टर या नर्स से भी आसुत जल ले सकते हैं। टेस्टर का उपयोग करके परीक्षण कीजिए कि आसुत जल विद्युत चालन करता है या नहीं। फिर आप क्या पाते हैं, क्या आसुत जल विद्युत चालन करता है? जब एक चुटकी साधारण नमक लेकर इसे आसुत जल में घोलिए, फिर परीक्षण कीजिए। इस बार आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? जब हम आसुत जल में नमक घोलते हैं तो हमें नमक का घोल प्राप्त होता है, यह विद्युत का अच्छा चालक है। जो जल हमें नलों, हेडपंपों, कुओं, तालाबों आदि से प्राप्त होता है वह शुद्ध नहीं होता है, याद रखिए। इसमें अनेक लवण घुले हो सकते हैं। खनिज लवणों की थोड़ी मात्रा इसमें प्राकृतिक रूप से विद्यमान होती है, इसलिए जल विद्युत का सुचालक होता है। इसके विपरीत आसुत जल लवणों से मुक्त होने के कारण हीन चालक होता है। जल में थोड़ी मात्रा प्राकृतिक रूप से विद्यमान खनिज लवण मानव स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं, परंतु ये लवण जल को चालक बना देते हैं, इसलिए हमें विद्युत संदिग्धों का उपयोग कभी भी गीले हाथों से अथवा गीले फर्श पर खड़े होकर नहीं करना चाहिए। हमने देखा कि जब साधारण नमक लवण को आसुत जल में घोला जाता है तो उसे अच्छा चालक बना देता है। वे कौन से अन्य पदार्थ हैं जो आसुत जल में घुलने पर इसे चालक बना देते हैं, आइए पता लगाते हैं। चेतावनी, अगले क्रियाकलाप को केवल अपने अध्यापक, माता पिता, अभिभावक अथवा किसी वरिष्ठ व्यक्ति की देखरेख में करिए, क्योंकि इसमें अम्ल का प्रयोग सम्मिलित है। पूरा डॉक्टर बना के छोड़ेंगे और वैज्ञानिक, आप बने रहिए बस। क्रियाकलाप 14.5। बोतलों के प्लास्टिक या रबड़ के 3 स्वच्छ ढक्कन लीजिए। प्रत्येक में लगभग 2 चाय के चम्मच के बराबर आसुत जल भरिए। एक ढक्कन के आसुत जल में कुछ बूंदे नींबू के रस या फिर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मिलाइए। अब दूसरे ढक्कन के आसुत जल में
कास्टिक सोडा या पोटेशियम आयोडाइड जैसे क्षारक की कुछ बूंदें मिलाइए। तीसरे ढक्कन के आसुत जल में थोड़ी सी चीनी डालकर घोलिए। परीक्षण कीजिए, इन विलयनों में से कौन सा विलयन विद्युत का चालन करता है और कौन सा नहीं, आपको क्या परिणाम प्राप्त होते हैं। विद्युत चालन करने वाली अधिकांश द्रव अम्लों क्षारकों तथा लवणों के विलयन होते हैं। जब विद्युत धारा की किसी चालक विलयन से प्रभावित होती है तो क्या वह उस विलयन में कोई प्रभाव उत्पन्न करती है। बात करते हैं आगे हम लोग विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव के बारे में। विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव को देखते हैं। कक्षा 7वीं में हमने विद्युत धारा के कुछ प्रभावों के बारे में सीखा था। क्या आप इन प्रभावों की सूची बना सकते हैं। जब विद्युत धारा किसी चालक विलयन से प्रभावित होती है तो यह क्या उत्पन्न प्रभाव उत्पन्न करती है। आइए इसका पता लगाते हैं। क्रियाकलाप 14.6। दो बेकार सेलों से सावधानी पूर्वक कार्बन की छड़ें निकालिए। उनकी धातु की टोपियों को रेगमाल से साफ करके इन तांबों पर तांबे के तार लपेटिए और उन्हें एक बैटरी से जोड़िए। इन दो छड़ों को हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। कार्बन के छड़ों इस तरह से, ये धातु की टोपी हो गई, कार्बन की छड़, ये आपका जल हो गया। स्थान पर आप लगभग 6 सेंटीमीटर लंबी लोहे की कीलें भी ले सकते हैं। इनके स्थान पर किसी कांच के गिलास या प्लास्टिक के कटोरे में एक प्याला जल भरिए। जल को और अधिक चालन बनाने के लिए इसमें एक छोटा चम्मच भरकर साधारण नमक या फिर नींबू के रस को कुछ की कुछ बूंदें मिलाइए। अब इस विलयन में इलेक्ट्रोडों को डुबोइए। यह सुनिश्चित कीजिए कि कार्बन की छड़ों की धातुओं की टोपियां जल से बाहर आए। 3-4 मिनट तक प्रतीक्षा कीजिए। इलेक्ट्रॉनों को ध्यान पूर्वक देखिए। क्या आप इलेक्ट्रॉनों के सभी किसी गैस के बुलबुले देख पाते हैं। क्या हम विलयन में हो रहे परिवर्तनों को रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं। कक्षा 7वीं में पढ़ी गई रासायनिक परिवर्तन की परिभाषा का स्मरण कीजिए। इन्हें भी देख लेते हैं। सन 1800 में एक ब्रिटिश रसायनिक विलियम निकल्सन ने दर्शाया कि यदि इलेक्ट्रोड जल में डूबे हों तथा उनके द्वारा विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन के बुलबुले उत्पन्न होते हैं। ऑक्सीजन के बुलबुले बैटरी के धन टर्मिनल से जुड़े इलेक्ट्रोड पर तथा हाइड्रोजन के बुलबुले दूसरे इलेक्ट्रोड पर बनते हैं। किसी चालक विलयन में से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर रासायनिक अभिक्रिया होती है। इसके फलस्वरूप इलेक्ट्रोडों पर गैस के बुलबुले बन सकते हैं। इलेक्ट्रॉनों पर धातु के निक्षेप देखे जा सकते हैं। विलयनों के रंग में परिवर्तन हो सकते हैं। यह रासायनिक अभिक्रिया उपयोग किए जाने वाले विलयनों तथा इलेक्ट्रॉनों पर निर्भर करती है। ये विद्युत धारा के कुछ रासायनिक प्रभाव। बूजो ने यह परीक्षण करने का निश्चय किया कि क्या कुछ फल या वनस्पति भी विद्युत चालन करती है या नहीं। उसने एक आलू को 2 बराबर भागों में काटा और टेस्टर के तांबे के तारों को इसमें निविष्ट कर दिया। तभी उसकी माँ ने उसे बुलाया बुला लिया और आलू में बिने निविष्ट किए गए परिच यानी कि टेस्टर के तारों को बाहर निकालना भूल गया। लगभग आधे घंटे के पश्चात जब वह वापस आए तो उसने देखा कि आलू में एक तार के चारों ओर नीला हरा सा धब्बा बन गया, जबकि दूसरे तार के चारों ओर ऐसा कोई धब्बा नहीं। उसे इस परीक्षण का बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने पहले के साथ इस क्रियाकलाप को कई बार दोहराया। उन्होंने पाया कि हर बार धन टर्मिनल से संयोजित तार के चारों ओर ही नीला हरा धब्बा बनता है। उन्होंने अनुभव किया कि यह खोज अत्यंत लाभप्रद है, क्योंकि इसका उपयोग किसी बॉक्स में छिपी बैटरी या सेल के धन टर्मिनल की पहचान करने के लिए किया जा सकता है। उन्होंने अपनी इस खोज को बच्चों की एक पत्रिका में छपवाने का निश्चय किया। याद रखिए कि बूजो ने इस परीक्षण से प्रारंभ किया था कि आलू विद्युत का चालन करता है या नहीं। उसने पाया कि विद्युत धारा आलू में रासायनिक प्रभाव उत्पन्न करती है। उसके लिए यह अत्यंत उत्तेजक खोज थी। वास्तव में विज्ञान में कभी कभी ऐसे भी हो
होता है कि आप खोज किसी चीज की कर रहे हो और आप कुछ अन्य खोज कर लेते हैं। अनेक महत्वपूर्ण खोजें इस प्रकार से ही आपकी हुई हैं। अब चलते हैं विद्युत लेपन। याद कीजिए कि बिल्कुल नई साइकिल का हैंडल तथा पट्टियों के रिम कितने चमकदार होते हैं। तथापि यदि दुर्घटनावश इनमें खरोंच पड़ जाती है तो चमकदार पर उतर जाती है और उसके नीचे की सतह इतनी चमकदार नहीं होती। आपने कुछ महिलाओं को ऐसे आभूषण पहनते हुए देखा भी देखा होगा जो दिखने में सोने के प्रतीत होते हैं। लगातार उपयोग से इनकी सोने की परत ऊपर यानी कि उतर जाती है, नीचे की चांदी या फिर किसी अन्य धातु की सतह दिखाई देने लगती है। इन दोनों ही परिस्थितियों में एक धातु के ऊपर दूसरी धातु की परत चढ़ी होती है। क्या आप जानते हैं कि एक धातु की सतह के ऊपर दूसरी धातु की परत किस प्रकार निक्षेपित कर दी जाती है? आइए इसे स्वयं करके देखें। क्रियाकलाप 14.7। इस क्रियाकलाप के लिए हमें कॉपर सल्फेट तथा लगभग 10 सेंटीमीटर × 4 सेंटीमीटर साइज की तांबे की दो प्लेट चाहिए। किसी स्वच्छ तथा सूखे बीकर में 250 ml आसुत जल लीजिए। इसमें चाय की 2 चम्मच भरकर कॉपर सल्फेट घोलिए। अधिक चालक बनाने के लिए कॉपर सल्फेट विलयन में कुछ बूंदे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल भी डालिए। तांबे की प्लेटों को रैगमाल से साफ कीजिए, उन्हें पानी में धोकर सुखाइए। तांबे की प्लेट को एक बैटरी के टर्मिनलों से संयोजित कीजिए, उन्हें कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोइए। तांबे की प्लेट हुई है, तांबे की प्लेट है, ये आपका कॉपर सल्फेट विलयन भरा हुआ है। परिपथ में लगभग 15 मिनट तक विद्युत धारा प्रवाहित होने दीजिए। अब विलयन में से इलेक्ट्रॉनों को हटाइए तथा उन्हें सावधानी पूर्वक देखिए। क्या उनमें से किसी एक में कुछ अंतर पाते हैं? क्या आप इस पर कोई परत चढ़ी देखते हैं? इस परत का रंग कैसा है? बैटरी के उस टर्मिनल को नोट कीजिए जिससे ये इलेक्ट्रोड संयोजित है। जब कॉपर सल्फेट विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कॉपर सल्फेट कॉपर सल्फेट में वियोजित हो जाता है। स्वतंत्र कॉपर यानी कि तांबा बैटरी के रेड टर्मिनल से संयोजित इलेक्ट्रोड की ओर आकर्षित होता है तथा उस पर निक्षेपित हो जाता है। लेकिन विलयन में से कॉपर की क्षय की पूर्ति कैसे होती है? दूसरे इलेक्ट्रोड से जो तांबे की प्लेट से बना है समान मात्रा का कॉपर विलयन में घुल जाता है। इस प्रकार विलयन से जो कॉपर कम हुआ है वह विलयन में पुनः स्थापित हो जाता है। यह प्रक्रिया चलती रहती है आपकी। इसका अर्थ है कि हुआ कि इस विद्युत लेपन प्रक्रिया में एक इलेक्ट्रोड से कॉपर दूसरे इलेक्ट्रोड को स्थानांतरित होता है। बूजो को तांबे की केवल एक प्लेट ही मिल पाई, इसलिए उसने क्रियाकलाप 14.7 को तांबे की प्लेट के स्थान पर कार्बन की छड़ को बैटरी के रेड टर्मिनल से संयोजित करके किया। उसे कार्बन की छड़ पर तांबे की परत चढ़ाने में सफलता प्राप्त हुई। आगे चलते हैं। विद्युत धारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। विद्युत धारा द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विद्युत लेपन। अब देखिए विद्युत लेपन की परिभाषा समझाने के लिए आपको पूरा एक क्रियाकलाप बताया गया है। यह विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का एक सर्वाधिक सामान्य उपयोग है। विद्युत लेपन अत्यंत उपयोगी प्रक्रम है। उद्योगों में धातु की वस्तुओं पर किसी दूसरी धातु की पतली परत विलेपित करने के लिए इसका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। विलेपित किए जाने वाली धातु की परत में कुछ ऐसे वांछित गुण होते हैं जो उस वस्तु की धातु में नहीं होते, जिस पर निक्षेपण किया जाता है। उदाहरण के लिए आप अनेक वस्तुएं जैसे कार के कुछ भागों, स्नान गृह की टोंटी, गैस बर्नर, साइकिल का हैंडल, पहियों के रिम आदि का क्रोमियम का लेपन किया जाता है। क्रोमियम चमकदार दिखाई देता है, यह संक्षारित नहीं होता, यह खरोंचों का प्रतिरोध करता है। तथापि क्रोमियम महंगा है तथा किसी पूरी वस्तु को क्रोमियम से बनाना आर्थिक दृष्टि से व्यवहारिक नहीं होता है, इसलिए वस्तु को किसी सस्ती धातु से बनाया जाता है और उस पर केवल क्रोमियम की परत ही निक्षेपित कर दी जाती है।
आभूषण बनाने वाली सस्ती धातुओं पर चांदी एवं सोने का विद्युत लेपन करते हैं। ये आभूषण देखने में आपके चांदी चांदी या सोने के प्रतीत होते हैं, लेकिन वास्तव में अपेक्षाकृत बहुत सस्ते होते हैं। खाद्य पदार्थों के भंडारण के लिए उपयोग किए जाने वाले टिन के डिब्बों में लोहे के ऊपर टिन का विद्युत लेपन किया जाता है। टिन लोहे से कम क्रियाशील होता है, इस प्रकार खाद्य पदार्थ लोहे के संपर्क में नहीं आते और खराब होने से बच जाते हैं। पुलों तथा स्वचालित वाहनों को प्रबल बनाने के लिए लोहे का उपयोग किया जाता है, तथापि लोहे में संचारित होने तथा जंग लगने की प्रवृत्ति होती है, अतः इसे संचारण तथा जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जिंक की परत निक्षेपित कर दी जाती है। विद्युत लेपन कारखानों में उपयोग किए जा चुके विलयनों का निपटारा किया जाना भी एक मुख्य समस्या है। यह एक प्रदूषणकारी अपशिष्ट है तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए इस प्रकार के प्रदूषकों के निपटारे के लिए विशिष्ट दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो इस अध्याय में आपने क्या क्या देखा? इलेक्ट्रोड, विद्युत लेपन, सुचालक, एलईडी, हीनचालक, इन शब्दों के बारे में जाना है। आपने क्या सीखा है? कुछ द्रव विद्युत के सुचालक हैं तथा कुछ हीनचालक हैं, यानी कि इनमें विद्युत का चालन नहीं होता है। विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव अम्लों, क्षारकों, लवणों से विलयन होते हैं। किसी चालक द्रव में विद्युत धारा प्रभावित होने पर रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, इसे विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। विद्युत धारा द्वारा किसी पदार्थ पर वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। ये आपके अभ्यास के लिए क्वेश्चंस दिए गए हैं और उनके आपको देख लेना है, ठीक है, उन्हें अच्छे से। और जो आपकी पीडीएफ थी वो टेलीग्राम पर डली हुई है, जाकर देखें, डाउनलोड करके रख लें, अगर कभी टाइम मिलता है तो उससे एक बार पढ़ लें, ठीक है। आपका बेस मजबूत करने के लिए सभी बुक्स आपको बताई जाती पढ़ाई जाती हैं, बच्चे से पढ़िए निकल जाइए। क्या आप जानते हैं एलईडी प्रकाश उत्सर्जक डायोड अनेक रंग जैसे लाल, हरे, पीले, नीले, सफेद में उपलब्ध है तथा अनेक अनुप्रयोगों में इसका उपयोग बढ़ता जा रहा है। जैसे ट्रैफिक सिग्नल लाइट में प्रकाश के लिए एलईडी का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। श्वेत एलईडी का एक गुच्छा एक साथ लगाने पर एलईडी का एक प्रकाश स्रोत बनता है। एलईडी प्रकाश स्रोत ऊर्जा की कम खपत करते हैं। ये प्रकाश बल्ब तथा प्रदीप्त नलिकाएं ट्यूबलाइट से अधिक अवधि तक कार्य करती हैं, इसलिए धीरे धीरे पसंदीदा प्रकाश स्रोत बन रहे हैं। आप लोग भी अक्सर अपनी दैनिक उपयोग में एलईडी का ही प्रयोग करते हैं। तो ये आपका 14वां चैप्टर था। 15वें चैप्टर में हम देखेंगे कुछ प्राकृतिक घटनाओं के बारे में जानेंगे।